पुलिस कप्तान आलोक प्रियदर्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मंगलवार 3:30 बजे इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के एनटीपीसी मार्ग पर स्थित सिगड़ी ढाबा के पास ट्रक व स्कॉर्पियो में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे में लिए गए ट्रक से 68 बंडल में 2 क्विंटल 87 किलो 530 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई। तस्करी उड़ीसा राज्य से की जा रही थी। गिरफ्तार अभियुक्तों में रंजीत कुमार मांझी पुत्र रामप्रीत मांझी निवासी गरखा रायपुरा थाना बेल्दी जनपद छपरा राज्य बिहार, रामजन्म यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी भोपतपुर कोटरा थाना राजा सुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर के साथ ही कई अभियुक्तों को धर दबोचा गया है। की टीम के ज्वाइंट छापे में एक इंटर स्टेट गैंग बस्ट किया गया है जो NDPS नारकोटिक्स की बरामद की सप्लाई करता था। ये आंध्र प्रदेश से चल करके और बिहार के मार्फत ये अम्बेडकर नगर में ट्रक लाया जा रहा था। इस सिलसिले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2 वेस्ट बंगाल के अभियुक्त हैं, 2 उड़ीसा के अभियुक्त हैं, 1 जो मेन व्यक्ति है वो बिहार का है, और यहाँ जिसके यहाँ कंसाइनमेंट आ रहा था राजा सुल्तानपुर का व्यक्ति है, इन सबको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के साथ ही करीब 285 किलो 2.85 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है, जिसकी मार्केट वैल्यू जो एस्टिमेटेड है वो करीब 2.5 करोड़ रुपये के आसपास है। और साथ में एक ट्रक बरामद किया गया है और एक ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो जिसमें ये मुलजिम थे, ये सब बरामद किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है, उनका आपराधिक इतिहास और पूरा नेटवर्क पता किया जा रहा है कि कहाँ से सप्लाई होती थी, यहाँ किसको किसको जाता था, सारे बिंदुओं पर।